अपने एक्स को भुला नहीं पा रहे हैं? क्या स्कूल में बुली होने की यादें आज भी आपको सोने नहीं देती? क्या सालों पहले हुए बिजनेस में नुकसान से आज भी आपका बीपी बढ़ा हुआ है? बैड मेमोरी से जुड़ी हर परेशानी का एक इलाज, डॉक्टर इरेजर शर्मा। 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज, बिना चीरे और टाके के बदलिए अपनी यादों की बारात को। आज ही डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-5670-7800 और बुक करें अपना अपॉइंटमेंट। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट मेमोरीज हो सकती हैं। तो कितने दिन हो गए आपकी शादी को? 6 months हो गए भुट्टच। पर ये आपकी पति किसकी यादों में खोए हुए हैं? अपनी एक्स की। मैं आपको क्या बताऊं डॉक्टर साहब, जब से शादी हुई है ना, इस आदमी ने मेरा नाम तक नहीं लिया है और मैंने हर एक कोशिश कर ली कि इसे मुझसे प्यार हो जाए, बट प्यार हो ही नहीं रहा। तो आपने अपने इस रिलेशनशिप को स्पाइस अप करने के लिए कुछ किया? स्पाइस अप? अचारी फ्लेवर? नहीं नहीं नहीं, चलिए खैर छोड़िए इसे, अब मुझे शुरू से बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे मम्मी पापा को ना बेटा चाहिए था, बट घर में लक्ष्मी आने से कौन रोक सकता है वाला, इसलिए मैं पैदा हो गई। अरे मैडम, इतना शुरू से नहीं, आपको इनकी जो मेमोरी इरेज करानी है उसके बारे में शुरू से बताइए। नहीं नहीं, मुझे कुछ डिलीट नहीं कराना, मुझे इरेज नहीं कराना, प्लीज रोजी से दूर मत करो मुझे, प्लीज प्लीज। चुप रहो तुम, रोजी को इरेज मत करो, जेल तो मैं रही हूं ना तुम्हें। मैं तुमसे वादा करता हूं उसका नाम कभी नहीं लूंगा, प्लीज। ऐसे वादे ना तुम रोज करते हो, बट रात में उसी चुड़ैल का नाम लेते हो। चुड़ैल तुम हो, वो मेरी जान है। जान है नहीं, जान थी, और यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं। आप मुझे शुरू से बताइए, ढंग से बताइए मैडम। ठीक है डॉक्टर साहब, इनकी ना एक गर्लफ्रेंड थी 10 साल पहले से, वो इन्हें छोड़ के भाग गई। इस चक्कर में इनके घर वालों ने इनकी शादी मुझसे कर दी। तो क्या आपको इनसे शादी नहीं करनी थी? मैं तो करना चाहती थी, पर ये नहीं करना चाहती थी ना, जिसका भुगतान मुझे आज तक भरना पड़ रहा है। अब आप खुद बताइए, दिन रात सुबह शाम 24 घंटे ये उसी का नाम लेते हैं, यहाँ तक कि वो करते समय भी उसी को याद करते हैं। बताइए मेरी जिंदगी। रूबी चिन्नप्पा, आंसू पोछो। मैं किसी महिला को रोते नहीं देख सकता हूँ, खासकर अपने मंदिर जैसे ऑफिस में। अरे बेवकूफ, अपने नहीं मैडम के पोछो। मैं बस इतना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि इनकी जितनी भी पुरानी मेमोरी है उस लड़की की, वो सब खत्म हो जाए और इनको सिर्फ मैं याद रहूं। मैं इनकी गर्लफ्रेंड थी, हूँ और रहूंगी। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, रोजी को मेरी मेमोरी से मत निकालो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। बेबी, एक बार तुम्हारी मेमोरी रीसेट होगी तो मैं ही तुम्हारी रोजी और मैं ही तुम्हारी रोटी। समस्या काफी गंभीर है मैडम, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। चलिए डॉक्टर साहब। देखिए, रिलेशनशिप 1-2 साल पुराना हो तो लड़की की मेमोरी दिमाग के ऊपरी हिस्से में रहती है, तो हमें एक एक न्यूरॉन को खोज करके उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो कहाँ मिलते हैं न्यूरॉन? मैं जा के बात करूंगी खुद उनसे। आप बस ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन बहुत ही कठिन होगा, इवन मेरी लाइफ का भी सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। आपको बस एक फॉर्म पे साइन करना होगा जिसमें लिखा होगा कि जो भी लिखा है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने साइन कर दिए। नहीं नहीं, मुझे मेमोरी इरेज नहीं करानी, नहीं, छोड़ दो मुझे, रोजी, रोजी, छोड़ दो मुझे, रोजी, नहीं, छोड़ दो मुझे, रोजी। मेमोरी इरेजिंग प्रोसेस स्टार्ट। रेडी हार्ट? अरे फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज़, वेरी नाइस, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो चिन्नप्पा, बहुत अच्छे। हाँ, अब तू भूलेगा, भूल उसे, भूल रोजी को। चलो रोजी, रोजी, रोजी कहाँ जा रही? अल्फा रोजी माइनस बीवी। व्हाट द हैक चिन्नप्पा, ये मशीन क्यों रुक गई है चिन्नप्पा? Shit, it's not in my control, sir. मुझे लगता है तार में कहीं कार्बन तो नहीं आ गया। Oh, nice. Oh. चिन्नप्पा, voltage down. चिन्नप्पा, चिन, voltage down, चिन. What can I do, sir? Sir, it's not working. Okay,
ये रुको, वेट वेट करो, साई की वैल्यू जीरो करो, साई की वैल्यू जीरो करो, हमें यहाँ से जो है ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला हटाना पड़ेगा, वरना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से तो ये सारा कुछ नुकसान हो जाएगा। ये क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आई थिंक इट इज सक्सेसफुल सर। डॉक्टर साहब, इन्हें होश कब आएगा? डॉक्टर साहब, यही तो मैं सोच रहा हूँ। पूजा? पूजा कौन है? मैं हूँ डॉक्टर साहब, आज पहली बार इन्होंने मेरा नाम लिया है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आप डॉक्टर नहीं, आप भगवान है। यही तो हमारा काम है, सालों से बरसों से हमारी यही तो पहचान है। तो आज ही जाइए अपने दोस्तों यार और रिश्तेदारों को बताइए कि कैसे मैंने आपकी परेशानियां झट से मिनटों में दूर कर दी। सोनल। अब ये सोनल कौन है? सर, वो तो अपने पेशेंट थी ना, जिसका बॉयफ्रेंड मर गया था। हाँ। प्रीति, प्रीति। अभी प्रीति कौन है? सर, ये तो वो थी जो आईएएस के एग्जाम में फेल हो गई थी। हाँ। जानवी, मीनाक्षी, केटी, ऐश्वर्या, कैटरीना, कैटरीना, काजोल। किस किस का नाम ले रहा है ये? क्या किया साले हरामी डॉक्टर, तूने मेरे पति के साथ ठीक कर अभी के अभी? नहीं हो सकता मैम, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सर का आइडिया कोई चोरी ना कर ले, इसलिए हमारे सर ने अपनी मेमोरी से मशीन की मेकिंग को डिलीट कर दिया और उसकी जगह पर कूड़ा उठाने वाली मशीन की मेकिंग को डाल दिया है। तो अब क्या होगा मेरे पति के साथ? कुछ तो करो डॉक्टर साहब। एक रास्ता है मेरे पास। क्या? प्रज्ञा, वंदना, सुष्मिता, चारुण, पारुण, ऐश्वर्या।